राम राम काका। राम 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 राम। और बेटा मगरू सब ठीक ठाक है ना? सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को मालूम हो कि राज्य में चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। जो भी उन चोरों को पकड़वाने में राज्य की मदद करेगा उसे राज्य की तरफ से 1000 शर्फियां इनाम में दी जाएंगी। कौन 1000 शर्फियां के लिए अपनी जान जोखिम में डाले? प्रजा होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी राजा की मदद करें। कहो काका, ठीक कह रहे ना काकी? हाँ ठीक कह रहे। इन चोरों की वजह से तो रात में चैन से सोना भी मुश्किल हो गया है भैया। इसी अमन चैन के लिए तो बना दी हुई है काकी। पर चोर वे पकड़े जाए तब ना। ठीक कह रही हो काकी, ठीक कह रही। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा मंगरू, तू आ गया। पानी बेटा माँ, पानी। चूल्हे पर रोटियां रखी हैं, जा खा के सो जा। माँ तूने रोटी खाई? अरे नहीं खा ली, जा तू भी खा ले। माँ मैं जानता हूँ तूने रोटी नहीं खाई, तेरी दवाई तक के लिए पैसे नहीं बचे। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं कल की सोच रहा हूँ माँ। अरे बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान भला करेंगे। तू रोटी तो खा ले। अगर इसने कोई गड़बड़ की तो क्या? बच्चा है, ऊपर से गिरी हालत है, तो छपड़ मार के भगा देंगे। देखो जब तक ठीक से रहेगा तो रहेगा, नहीं तो सब पहले लगा है ऐसा ही करेंगे। ठीक है, आओ चलो चलो चलो। ये बच्चे क्यों रो रहा है? हम तुझे काम दे तो करेगा, ढेर सारा धन मिलेगा। हाँ हाँ, काम क्या नहीं करूँगा, जरूर करूँगा काका। पैसे के लिए तो मैं जरूर करूँगा। चल हमारे साथ आ, चल। काका वो पाँच की आप जगह बता दीजिए, मैं सुबह पहुँच जाऊँगा। इस समय तो माँ बच्चे तुम लोग काम दिन में नहीं रात में करते हैं। बोल मंजूर है?
अगर हो तो कल यही मिलना, अब तो सुबह होने को है। अच्छा काका, मैं कल जरूर आऊंगा। आना जरूर। सुन लड़की, क्या नाम है तेरा? मंगरू। हाँ सुन मंगरू बेटा, देख जितना कहा जाए उतना ही करना, ठीक है ना? हाँ जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अरे चोर आए, अरे चोर, अरे उधर गए, इधर गए, अरे चोर।
आतंक से राज्य की जनता परेशान थी, उसे मंगरू नामक बालक ने अपनी सूझबूझ से पकड़वा कर हमारे राज्य की मदद की है। तो राजा ने उस बालक को उसके गांव में जाकर उसे पुरस्कृत करने का निश्चय किया है और उन चारों चोरों को कारागार में डालने का आदेश दिया है। बालक, हम तुम्हारी सूझबूझ पे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी कृपा है महाराज। नहीं मंगरू, तुमने अपनी जिस योग्यता और समझदारी का परिचय दिया है उससे हमें और हमारे राज्य की जनता को गर्व है। हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य की जनता में से ऐसे और लोग आगे आएं जो राज्य के कामकाज में समय समय पर अपनी समझदारी और योग्यता से हमारा सहयोग करें। इस प्रतिनिधि घटना के स्वरूप हम तुम्हें राज्य द्वारा पूर्व घोषित 1000 अशर्फियां प्रदान करते हैं। महाराज, हम बहुत गरीब हैं। मंगरू के बापू होते तो उसको पढ़ाते लिखाते, लेकिन इस नन्ही सी जान को मेरी बीमारी और गरीबी के कारण काम ढूंढने निकलना पड़ा और उन दुष्टों ने इसको पकड़ लिया। इसमें इसका कोई दोष नहीं महाराज, दोषी तो मैं हूँ। मैंने इसे जन्म तो दिया लेकिन इसका लालन पालन नहीं कर पा रही हूँ। इसका लालन पालन नहीं कर पा रही हूँ। रो मत ना, रो मत, मैं कुछ करूँगा, तू चिंता मत करना, मैं पढ़ूंगा भी। महाराज, एक निवेदन और है। अगर राज्य की तरफ से इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हो जाता तो ये आगे चलकर अपनी तथा अपने परिवार की जीविका का प्रबंध कर सकता। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं मंत्री जी। ठीक है बेटा, आज से तुम्हारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध राज्य की ओर से किया जाएगा। महाराज तुमने देख, धन्यवाद महाराज। महाराज, आपका यश दूर दूर फैले, आप दीर्घायु हो।